जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और आज की महत्वपूर्ण क्लास वो है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में आने वाले प्रश्नों की क्लास। इस क्लास में हम टॉप क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये क्लास जो है वो एचपीपीएससी, एचपी टैट, पटवारी, एलाइड सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। एचपीपीएससी के अंदर ही सभी एग्जाम्स होते हैं। अब आगामी हिमाचल पुलिस की भी तैयारी हो रही है, तो उसके लिए भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा कि आपके दोस्तों तक ये क्लास पहुंच जाए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय परिषद को किस वर्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तित किया गया, यानी कि क्षेत्रीय परिषद जो है वो उसको ट्रांसफर किया गया था, विधानसभा की फॉर्म में बना दिया गया। तो वो जुलाई 1963 में जो है इसको कन्वर्ट किया गया है क्षेत्रीय परिषद को, और विधानसभा में जो है परिवर्तित कर दिया गया। अगला सवाल, पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया, यानी कि पंजाब का जो है के द्वारा जब हिमाचल में आधिपत्य था और वहां का भी यहाँ पर जो है इंटरफेरेंस थी, तो सन 1965 में जो है पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि पंजाब को जो है दोबारा से जो है मतलब उसको गठन किया गया था। तो वो गठन करने के लिए एक आयोग बनाया गया। तो उस आयोग को कब बनाया गया, सन 1965 में, 1965 में वो आयोग जो है बनकर तैयार हुआ। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा कब की थी। तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, तो वो उन्होंने जो है इसकी घोषणा की थी वो थी जुलाई 1970। कब की थी, तो 31 तारीख को की थी, जुलाई 1970 को, 31 जुलाई 1970 को जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वो घोषणा की गई है। किस बजट के तहत हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश का जो है वो का निर्माण जो है किस एक्ट के द्वारा हुआ है, वो है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये हुआ है 1971 में जो है ये एक्ट पारित किया गया था और फिर हिमाचल प्रदेश का जो है वो गठन किया गया। अगला है, 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिज मैदान शिमला से हिमाचल प्रदेश को भारत का कौन सा राज्य जो है कौन सा राज्य का दर्जा दिया था। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है वो 18वां राज्य बना था 1971 को, 25 जनवरी 1971 को, और कौन सा राज्य बना, 18वां राज्य, और इसकी जो है घोषणा किसने की, इंदिरा गांधी ने, कहां से की थी, रिज मैदान शिमला से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये लर्न करने के लिए, और वैसे भी हर हिमाचली को वो जो है ये क्वेश्चन है और अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाना चाहिए, तो इसीलिए इसको ध्यान रखें। अगला है, हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ किसने सर्वप्रथम आवाज उठाई थी। तो सबसे पहले जो आवाज उठाने वाले राजा हुआ करते थे घमेरी, यानी नूरपुर से, और नूरपुर का नाम जो है वो नूरजहां के नाम पर भी रखा गया है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो वहां के राजा जो थे वो थे राम सिंह। तो उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है सबसे पहले आवाज उठाई थी हिमाचल प्रदेश में से। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय शिमला का डिप्टी कमिश्नर कौन था। तो उस वक्त जो था लॉर्ड विलियम हेग था, लॉर्ड विलियम हेग जो है वो डिप्टी कमिश्नर रहे थे। अगला है, इंग्लैंड के समाचार पत्रों में प्रकाशित शिमला आतंक तथा शिमला कत्लेआम खबरें क्यों छपी थी। तो ये 1857 के जो है विद्रोह के कारण जो है वो इंग्लैंड के समाचार पत्रों में जो है ये प्रकाशित हुई थी। अगला है, अंग्रेजी सरकार बनियों को की सरकार है किस आंदोलन का लोकप्रिय नारा था। तो
तो ये भी शिमला में जो है क्रांतिकारियों का ये नारा रहा है 1857 के विद्रोह के समय में। तो ये शिमला के आप क्रांतिकारियों का जो है वो मतलब उनका नारा रहा है, विशेष नारा क्या रहा है, अंग्रेजी सरकार बनियों की सरकार है, ये क्रांतिकारी जो है वो नारा रहा था हिमाचल प्रदेश की तरफ से। अगला है 1857 की क्रांति के दौरान शिमला की पहाड़ी रियासतों में एक गुप्त संगठन बनाया गया जिसके मुख्य नेता कौन थे, तो उसके मुख्य नेता जो थे वो बैरागी थे। कौन थे? बैरागी, राम प्रसाद बैरागी। तो ये आपको लर्न रखना है। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के दौरान सिरमौर के किस राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो राजा शमशेर सिंह ने जो है अंग्रेजों के जो है खिलाफ विद्रोह किया था। किसने किया था? राजा शमशेर सिंह। अगला सवाल, अगला सवाल है 1876 में किस वायसराय ने शिमला में वायसराय बनाने के आदेश दिए थे, लॉर्ड लिटन ने। किसने दिए थे? लॉर्ड लिटन ने जो है आदेश दिए थे प्यारे बच्चों। अगला सवाल है कांग्रेस का गठन सॉरी का जन्म शिमला के किस भवन में हुआ। देखिए कांग्रेस का जन्म भी जो है वो शिमला में ही हुआ है, और कहां हुआ है? रोथनी कौंसिल में। कहां हुआ? रोथनी कौंसिल में। अगला सवाल है 1888 में बालूगंज और समरहिल के मध्य में बने ऑब्जेक्टरी वाइस रीगल लॉज भवन में किस वाइस राय ने प्रथम प्रवेश किया तथा इसी वर्ष प्रथम बार शिमला में बिजली के बल्ब भी इसी भवन में जगमगाए थे, तो वो थे लॉर्ड डर्फिन और लेडी डर्फिन, राजा रानी दोनों, लॉर्ड डर्फिन और लेडी डर्फिन के जो हैं समय में जो हैं बालूगंज और समरहिल के मध्य में बने जो ऑब्जेक्टरी वॉइस रीगल लॉज है वहां पर जो है सबसे पहले जो है वो शिमला में बिजली के बल्ब से जो है घर या उनका जो भवन है वो जगमगाया था। अगला है मंडी की किस रानी ने स्वतंत्रता संग्रामों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, तो वो थी ललिता कुमारी, और रानी खैरड़ी भी बोला जाता है उनको, वैसे ललिता कुमारी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा बच्चों। ऊना में महिला खादी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो ये आंसर रहेगा दुर्गा बाई। किसने की थी? दुर्गा बाई। अगला सवाल है मंडी के क्रांतिकारी हरदेव ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था, तो अपना नाम रखा था स्वामी कृष्णानंद। ये सवाल पहले भी हुआ है, स्वामी कृष्णानंद जो है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ऊना के किस नेता व नेत्री ने असहयोग आंदोलन का जो है नेतृत्व संभाला था, तो बाबा लक्ष्मण दास और उनकी पत्नी दुर्गा बाई, लक्ष्मण दास आर्य। ठीक है, बाबा लक्ष्मण दास आर्य याद कर लो या लक्ष्मण दास कर लो, और उसकी पत्नी दुर्गा बाई ने जो है ये संभाला था। नेक्स्ट आता है 1925 में किस वाइस राय ने सेंट्रल काउंसिल चैंबर का उद्घाटन किया जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन में मुख्य रूप से विख्यात हैं, तो लॉर्ड रीडिंग जो थे वो वहां के वाइस राय रहे हैं उस वक्त जब सेंट्रल काउंसिल चैंबर का जो है उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल है बाबा कांशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि किसने से सम्मानित किसने किया था। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बार पूछे जाने वाला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी, तो सरोजिनी नायडू जो है वो इसका सही आंसर रहेगा,
सरोजनी नायडू। अगला है, सिरमौर में बने हिमाचल के प्रथम प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो राजेंद्र दत्त इसका सही आंसर है, राजेंद्र दत्त। ऊना में कांग्रेस झंडा फहराते हुए किसने कहा कि हिंदुस्तान हमारा है, क्या रखा अंग्रेजों यहां तुम्हारा? तो ये भी लक्ष्मण दास का जो पुत्र था, नाम था सत्य प्रकाश, ये उनके लफ्ज हैं। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा और ये रहेगा आंसर मार्च 1931 में जो है शिमला में समझौता हुआ है गांधी इरविन। 1932 में नाहन में महावीर दल का गठन किसने किया था? तो राजेंद्र दत्त ने जो है इसका गठन किया था नाहन में। अगला सवाल, वर्ष 1935 ईस्वी में ऊना में किसने गांधी सेवा आश्रम ओएल खोला था? तो ओएल से याद रख सकिएगा, ये है राम ओएल, उन्होंने अपने ही नाम से रखा है राम ओएल। नेक्स्ट, कुल्लू के नगर में ग्राम सुधार सभा का गठन किसने किया था? तो ये थे लाल चंद प्रार्थी, बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं लाल चंद प्रार्थी। बाबा कांशी राम को पहाड़ी गांधी की उपाधि, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो ये पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्हें ये उपाधि से सम्मानित किया था। सेवा दल मंडी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्वामी पूर्ण चंद। स्वामी पूर्ण चंद जो थे वो सेवा दल मंडी के संस्थापक थे। प्रेम प्रचारणी सभा धामी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे हमारे बाबू नारायण दास। बाबू नारायण दास जो है वो इसका आंसर है। अगला सवाल है, कुल्लू के किस क्रांतिकारी ने दिन दिहाड़े जिला मुख्यालय में लगा ब्रिटिश सरकार के झंडे को उतार दिया था और उन्हें शेरे दिल के खिताब से सम्मानित भी किया गया था? वो कौन थे? तो वो थे नथू राम। कौन थे? नथू राम। अगला सवाल है, धामी गोलीकांड वर्ष 1939 में हुआ है तो उसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? तो दो व्यक्ति थे, एक थे दुर्गादास और दूसरे थे उमादत्त। दुर्गादास और उमादत्त की जो है मृत्यु हुई थी सन 1939 में धामी गोलीकांड में। आजाद हिंद फौज का कौमी गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा, के निर्देशक कौन थे? बहुत ही बढ़िया नारा है, तो इसका आंसर रहेगा कांगड़ा के आजाद हिंद फौज के सिपाही थे वीर राम सिंह, कांगड़ा से थे ये, तो कांगड़ा के आजाद हिंद फौज के सिपाही हैं वीर राम सिंह ठाकुर के द्वारा जो है ये देशभक्ति का जो है गाना या जो गीत है वो गाया गया था। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही प्रेरणादायक। महासू जिले की चिन्नी तहसील में रामपुर के 14 गांवों को मिलाकर कौन सा जिला बनाया गया था? तो वो था किन्नौर जिला। कौन सा बनाया गया था? किन्नौर जिला जो है महासू की 14 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। प्यारे बच्चों, 1952 में हिमाचल प्रदेश प्रथम चुनावों में कांग्रेस को 36 में से कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 36 में से उन्हें 24 सीटें जो हैं वो प्राप्त हुई थी। कितनी थी? 24 सीटें। अगला सवाल है, 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री, यानी कि कांग्रेस के नहीं बने वो बीजेपी के मतलब बन गए थे,
तो शांता कुमार को किस राज्यपाल ने जो है शपथ दिलाई थी? तो अहमद खान जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, अहमद खान। अगला है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म कहां पर हुआ था? तो यशवंत सिंह जो परमार थे वो सिरमौर जिला से जुड़े हुए हैं, और कहां पैदा हुए थे? तो वो थे बागथन के पास है चन्हालंग गांव। कौन सा है? चन्हालंग गांव। नेक्स्ट आता है 1944 में लखनऊ विश्वविद्यालय से सुशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलिएट्री विषय पर पीएचडी की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो आपको मालूम है कि उस वक्त वैसे भी 1944 का समय है, तो हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे पहले वही थे यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर लग गया तो उन्हीं ने पीएचडी की है, वही फेमस थे, तो इसलिए ज्यादा हम नहीं जाएंगे इधर उधर। हिमाचल के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को आंध्र प्रदेश सरकार का राज्यपाल भी बनाया गया था? तो वो था श्री राम लाल को। किसको? श्री राम लाल। काम नहीं तो वेतन नहीं, काम भी अपना गांव भी अपना, बन लगाओ रोजी कमाओ सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम किस मुख्यमंत्री ने जो है ये शुरुआत की थी? वो थे हमारे श्री शांता कुमार। अगला सवाल, प्रदेश के में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो 1992 में हुआ था, 1992 में। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश लोक हित पार्टी का गठन कब हुआ था? तो लोक हित पार्टी का जो गठन है वो 3 फरवरी 2012 को जो है वो गठन हुआ था। नेक्स्ट है, अन्नाडेल में डुरंड फुटबॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नाडेल मैदान जो है वो शिमला में है। कहां है बच्चों? शिमला में स्थित है। टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1888 में। कब हुई थी? 1888 में। कंचन माता का भव्य मंदिर प्रदेश में कहां पर स्थित है? वो है सरका घाट में। कहां पे है? सरका घाट में, धर्मपुर के पास, अनंतपुर के इलाके में। कहां पे है? अनंतपुर के इलाके में है। नेक्स्ट आ जाता है, नेहरू जी ने अधिमान भारत का नया मंदिर किसे कहा था? और वो था भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध को नेहरू जी ने जो है आदिमान का भारत का नया मंदिर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहां पर है? यानी कि कंप्लीट अंडरग्राउंड, वो है संजय गांधी परियोजना, जो कि सिरमौर जिला में स्थित है। संजय गांधी या संजय विद्युत परियोजना, जो भी बोल लो। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल की मृत्यु धर्मशाला में हुई थी? तो वो थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो इनकी जो मृत्यु है वो धर्मशाला में, के मैक्लोडगंज में इनकी समाधि भी बनाई गई है वहां पर इनकी। नेक्स्ट है, बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग का आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार जब इसका आयोजन हुआ है वर्ष 2002 में, प्री वर्ल्ड कप था ये। युद्ध स्मारक कहां पर है? बहुत बार आता है ये कॉम्पिटिटिव में, तो वो युद्ध स्मारक है धर्मशाला में। कहां पे है जी? धर्मशाला। HPCA, ठीक है, तो क्रिकेट का है स्टेडियम, धर्मशाला में नींव कब रखी गई थी? तो ये भी सन 2002 में इसकी नींव रखी गई थी। अंतिम सवाल है इसका, 1992 ईस्वी में महामहिम दलाई लामा के कालचक्र धर्मोपदेश का घटना स्थल क्या था? तो इसका आंसर रहेगा कल्पा। क्या था? कल्पा इसका सही आंसर रहेगा। तो ये थे आज के सवाल और महत्वपूर्ण सवाल।
तो आप इनको दिमाग में रखिएगा, और भी अच्छे क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा। तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।